यूपी के हरदोई जिले में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने एक बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया और 35,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। दरअसल बुजुर्ग अपने बेटे की डायलिसिस के लिए बैंक से रुपए लेकर आ रहे थे। अपने घर के पास बुजुर्ग के पैदल जाते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे बदमाशों की तलाश में जुटी है। हमारी डायलिसिस, बच्चे की डायलिसिस हो रही है, जिसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी, तो हम बैंक से 35,000 रुपये लेकर के और रिक्शे से घर आ रहे थे। तो घर में के पड़ोस में एक पुलिया बनने के लिए खंदक खुदा हुआ था, तो इसलिए हम रिक्शे से उतर लिए, पैदल वहाँ से अपने घर आ रहे थे। इतने में मोटरसाइकिल से दो लोग आए और जिसने पीछे वाले बैठे हुए आदमी ने बैग को छीन लिया और शोर मचाने पर कुछ लोग और दौड़ के आए, तब तक और मोटरसाइकिल से भाग गए। ये थाना कोतवाली शहर का मामला है। एक अतुल मिश्रा हैं, रहने वाले आवास विकास कॉलोनी के हैं। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इनके पिताजी बैंक से पैसा निकाल करके जा रहे थे, जैसे घर के समीप पहुँचे और उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आए और बैग जो है उनका छीन के भाग गए हैं। पुलिस को जिसे सूचना मिली, पुलिस मौके पहुंची है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का निवारण करके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।